नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम देसी घी बनाएंगे। देसी घी मक्खन को गर्म करके बनाया जाता है, तो या तो हम बाज़ार से अनसाल्टेड बटर ले लें या हम घर पर मक्खन निकाल के तैयार कर लें। आज हम घर पर बने हुए मक्खन से देसी घी बनाएंगे, तो आइए घी बनाना शुरू करते हैं। तो मक्खन है हमारे पास, तैयार कर लिया है हमने। घी बनाने के लिए हम मक्खन को पैन में डाल देंगे। मक्खन को हम गरम करेंगे और बीच बीच में चमचे से, मक्खन मेल्ट हो जाएगा गरम करने के बाद, हम बीच बीच में हर 2-3 मिनट में चमचे से चलाते रहेंगे ताकि मक्खन कढ़ाई में लग ना जाए। मक्खन मेल्ट हो गया है और मेल्टेड मक्खन को हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए जब तक पकाएंगे तब तक के मिल्क सॉलिड और क्लियर घी दोनों अलग अलग ना दिखाई देने लगें। तो इसे हम पकने देते हैं, गैस को मीडियम कर देंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। ये घी हमारा पक रहा है और काफ़ी कुछ पक चुका है, लेकिन अभी ये घी बना नहीं है। हमने गैस धीमी और मीडियम रखनी है। ज़्यादा तेज़ गैस पर हमारा घी नीचे से जल सकता है और दूसरा ये उफनता भी है, तो आपकी नज़र बची तो ये कढ़ाई से बाहर भी आ जाएगा। इसको बिल्कुल ध्यान रखते हुए हमें चमचे से चलाते रहना है। और अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में हमारा घी बन जाएगा। बराबर हम इसको चलाते रहेंगे हर एक दो मिनट में। और जब हमारा घी बन जाएगा तो बिल्कुल ये हमें अलग तरीके का दिखेगा। अब आप देख सकते हैं कि क्लियर घी और मिल्क सॉलिड दोनों अलग हो गए हैं। ठंडा करने के बाद जब हम इसे छानेंगे तो मिल्क सॉलिड छलनी के ऊपर रह जाएगा और क्लियर घी बर्तन में हमें मिल जाएगा। ये घी हमारा बनके तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा तो कढ़ाई गर्म है और भी ये पक जाएगा। और अब हम इसे छोड़ देते हैं, जैसे ही ठंडा हो जाएगा तब हम इसे छान करके घी निकाल लेंगे। ये घी हमारा ठंडा हो गया है और अब हम इसे किसी भी स्टील की बारीक छलनी में छान लेंगे। ये मिल्क सॉलिड जो छलनी के ऊपर रह गया है इसे हम मावा कह सकते हैं और मावा की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। ये घी हमने छान करके तैयार कर लिया है और ये मावा निकल गया है। ये मावा का स्वाद भी बहुत अच्छा है क्योंकि मलाई को हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था। फ्रीज़र में रखने के कारण उसका स्वाद जैसा का तैसा रहता है, तो बहुत ही अच्छा मावा है। और हम चलाते रहे बराबर घी को कढ़ाई में। अगर हम ना चलाएं, थोड़ा ध्यान ना दें घी बनाते समय, तो ये ही मावा कढ़ाई में जाकर के बैठ जाता है और जल जाता है। तो ना तो इतना अच्छा घी का कलर बनेगा और ना ये मावा ही काम का रहेगा। तो घी को बनाते समय हमें पूरे ध्यान से इसको चलाते रहना है। बाद में गैस मीडियम और धीमी रखनी है और इस तरीके से बड़े ही आसानी से घी बन करके तैयार हो जाता है। हमारा घी तैयार है और मावा भी तैयार है। तो मावा से भी आप कुछ भी बनाना चाहें, जैसे इसमें थोड़ा सा आप चीनी ले लें, थोड़ा भून के बेसन ले लें और इसकी बर्फी बना दें, बहुत अच्छी बर्फी बनेगी। और घी को तो आप चाहे जिस यूज़ में लेंगी, दाल रोटी सब्जी पराठे पूरी कुछ भी बना सकते हैं। हमारा देसी घी बनके तैयार है। आप देसी घी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।